एक सवाल है, कांग्रेस के अंदर आंतरिक गुटबंदी कोई भी नहीं, जो कोई भी हिंसा करता है वो कांग्रेसी है ही थी, सबसे पहली बात। अगर कोई भी कार्यक्रम चल रहा हुई उसके अंदर कोई भी मारपीट कर रहा है, वो मारपीट की संस्कृति कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की विचारधारा में नहीं है, इसलिए जो मारपीट करने वाला है उसको कांग्रेस पार्टी कांग्रेसी मानती नहीं है। अगर वो किसी पद पर है तो उसको पद से भी निकाला जाता है, वो फैसला ही अपने आप में ये काफ़ी है कि जो भी गलत कार्य कर रहा है, अगर कांग्रेस की सदस्यता भी अगर उसको मिल गई तो उस सदस्यता के तहत उसको ये अधिकार नहीं है, पद के तहत उसको अधिकार नहीं है। जहाँ तक गुटबंदी का सवाल है, मुझे कहीं भी गुटबंदी नहीं नजर आ रही, मजबूती से एकजुट होकर कांग्रेस राजस्थान के अंदर मुकाबला कर रही है। उपचुनाव के अंदर अलवर देख लो, अजमेर देख लो, मांडलगढ़ देख लो, मजबूती से तमाम कांग्रेस की लीडरशिप एकजुट होकर उपचुनाव के अंदर उतरी। आज भी कांग्रेस की तमाम लीडरशिप एकजुट होकर राजस्थान के अंदर लोगों के बीच में जारी है। जहाँ तक अशोक गहलोत जी के सवाल है उस प्रश्न के अंदर, अशोक गहलोत जी को कोई किसी ने भी ये बात नहीं कही, और अशोक गहलोत जी आते भी रहते हैं। अशोक गहलोत जी को जो संगठन महासचिव का पद मिला हुआ है वो बहुत बड़ा पद है, बहुत जिम्मेवारी है। अशोक गहलोत जी उस पद पर रहते हुए भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी उनकी आवश्यकता रहती है, चाहे कर्नाटका में उनकी आवश्यकता रही कर्नाटका गए, आंध्रा में रही आंध्रा में गई हैं, जो कोई भी राजस्थान के अंदर जो कोई भी निर्णय है संगठन के, उसके अंदर भी अशोक गहलोत जी की पूरी भागीदारी है महासचिव संगठन के नाते, इसलिए ये सिर्फ भ्रम भ्रांति। ये जिस तरीके से अशोक गहलोत जी हमेशा चुनाव में सक्रिय रहे, अभी आप उनको मिस कर रहे हैं क्या? नहीं, दिल्ली में रहकर भी राजस्थान को पूरा का पूरा सहयोग दे रहा है, व्यक्ति वहाँ रही या अनिवार्य नहीं है, व्यक्ति का सहयोग कहीं भी रहे, किसी भी स्तर के ऊपर रहे, वो सहयोग कर सकता। अशोक गहलोत जी पूर्ण तरह से राजस्थान की कांग्रेस को सहयोग कर रहे हैं, दिल्ली में रहकर भी कर रहे हैं, निरंतर वो राजस्थान के लोगों के संपर्क में, राजस्थान के लोगों के अंदर आते भी हैं, निरंतर अशोक गहलोत जी ये कार्य कर रहे हैं। राजस्थान वो पूरे देश में एक्टिव है, पूरे ये राजनीतिक पार्टी के अंदर हर जगह हर किसी के कार्य बटे हुए। राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जी कर्नाटका के चुनावों के अंदर भी गई, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जी पंजाब के